नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। भारतीय टीम ने तीन टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी है। इसी के साथ टीम ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा भी कर लिया है। भारत ने टी20 में ये लगातार 9वीं जीत है। वह ऐसा करने वाली वर्ल्ड की 4थी टीम बन गई है। साथ ही टीम ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा टारगेट भी चेज कर लिया है। टी20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम है। उसने 2018-2019 में लगातार 12 बार और 2016-17 में लगातार 11 मैच जीते थे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 19.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 195 रन बनाते हुए मैच को अपने नाम कर लिया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल ये दूसरा सबसे बड़ा टारगेट चेज किया है। यहाँ सबसे बड़ा टारगेट चेज करने का रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के ही नाम है। उसने 2016 में सिडनी में टी20 में 198 रन का टारगेट चेज किया था। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की टी20 में रिकॉर्ड काफी बेहतर है। वे पिछले 12 साल में ऑस्ट्रेलिया में कोई भी द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं हारी है। ये मुकाबला जीतकर टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवरऑल 9वीं में से 4थी सीरीज अपने नाम कर ली है। इससे पहले भारतीय टीम ने फरवरी 2008 में ऑस्ट्रेलिया से उसी के घर में टी20 सीरीज से हार का सामना करना पड़ा था। टी20 में भारतीय टीम के विदेशी जमीन पर ये लगातार 10वीं जीत है। इससे पहले भारत ने वेस्टइंडीज दौरे पर 3 और न्यूजीलैंड पर 5 टी20 जीते थे। वहीं मौजूदा सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की उसी के घर में 2 टी20 शिकस्त दी है। ऐसे ही क्रिकेट की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट केसरी में।